हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फिल्म एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है मैं जाते हैं। माता पार्वती जी ने फाइनली भाई कार्तिकेय को खाना खिला दिया और वो उसमें कामयाब हो गई हैं। हाँ। अब आगे देखते आगे होता है क्या? तो कड़ा करते हैं स्टार्ट। उधर से इंदिरा देवी जी को भी टेंशन लगी है। हाँ। अपने पुत्र द्वारा माँ के संबोधन से वंचित होना दुख का पर्याप्त कारण नहीं है सब। ये तो है ना यार, माता कार्तिकेय अभी बालक है, कुछ समय जरूर लगेगा। जिन घटनाओं के कारण वो उन कृतिकाओं को अपनी माँ मानता है, वैसी परिस्थितियां अभी तुम्हारे और कार्तिकेय के जीवन में उत्पन्न ही नहीं हो पाई। जो दोनों में मतलब प्यार मोहब्बत एक होता है ना, ये हो जाएगा समय के साथ। हाँ, समय लगेगा, उसे परिपक्व होने में अवश्य समय लगेगा। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगता है। पर भावनाओं की परिपक्वता से ही भगवान शिव जी के पास हर मसले का हल है यार, और विचार में परिवर्तन ला पाएगा। समय के अनुरूप स्वतः इस तथ्य से उसे सम्मुख होना होगा कि उसके जीवन की वास्तविकता क्या है। कि मतलब जिंदगी में क्या करना है। टाइम लगेगा बात है। तर अपने एक सेनापति असुर बदवानल का अंत हो जाने से हम विचलित होने वाले नहीं है। ये जिसको भी बेचता है वो मर जाता है। पुत्रो तुम जाओ युद्ध भूमि में शिव के सम्मुख होने के लिए तत्पर हो जाओ। भगवान शिव के सामने हमने कितनी बार दोहराया है कि वर्षों की तपस्या के फलस्वरूप हमने शिव से वरदान अर्जित किया। ये से करवाएगा धर्म, इसलिए हम अधर्म के मार्ग पर चलकर उस वरदान को समाप्त नहीं होने देंगे। चलो कब तक? तुम तीनों को क्या लगा कि तुम तीनों यदि हमारा साथ छोड़ दोगे तो तुम्हारा ये पिता तार का सुर अशक्त हो जाए। अबे तो तू क्यों फिर रंग मजबूर कर रहा है? रास्ते पे चल ना। क्या कह रहा है? तार का सुर सक्षम था है तो तेरे में सक्षम है, उनको क्यों मजबूर कर रहा है? और सक्षम ही रहेगा। अब देखते जाओ हम क्या करते हैं। तो पर खुद करना, कभी किसको भेज रहा होता, पता नहीं कितना बोली भेज मत कर खुद जाएगा। हां, भगवान शिव जी ने पूरे अंतरिक्ष में इसको घुमाया था। इसका लगती फिर दिल कर रही है। ओ, ये कहां ले? हमारे जीवन के उद्देश्य वो झरना है उस तरफ, और कर्तव्यों की परिधि से अवगत होने का समय आ गया है। ओ, यानी कि जीवन का मकसद बताएंगे। तुम्हारे ज्ञानोदय का समय आ गया है। ओ, यानी कि अब ज्ञान देंगे इनको। किंतु ये तभी संभव जो जिंदगी का मकसद है, जब तुम अपनी इच्छा से अपने जीवन के तथ्यों से सम्मुख होना चाहोगे। यानी कि अपनी इच्छा से। ये निर्णय मेरा नहीं, तुम्हारा होगा पुत्र। यानी कि जो करना चाहेंगे वो मतलब इनका होगा। तुम्हारी अनुमति के पश्चात ही मैं तुम्हारा प्रशिक्षण आरंभ करूंगा। यानी कि जो ट्रेनिंग लेने को होगी, जो इजाजत वही रहा। हाँ, मैंने निर्णय ले लिया है। मैं अपने जीवन के उद्देश्य से अवगत होना चाहता हूँ। ठीक है ना, जानना चाहते हैं कि क्या करना है, जीवन का क्या मतलब। भगवान शिव जी जब यूं हाथ रखते ना किसी, तुम्हारे उद्देश्य से पूर्व तुम्हारे लिए ये जानना अनिवार्य है कि तुम्हारी उत्पत्ति का कारण क्या है। मतलब इनके आने का मकसद क्या है? अरे क्या हुआ उधर, क्या चल रहा है? हाँ,
कुछ दिखाना चाह रहे हैं लेकिन मेरा एक वक्त था तारकासुर समस्त संसार में असुरों का राजा भी था। उसने मुझे अपनी तपस्या से प्रसन्न कर एक वरदान प्राप्त किया। यानी कि इनको पूरे इसी के जरिए ना वो सुना रहे हैं कि उसकी मृत्यु केवल मेरे पुत्र द्वारा ही होगी। आप मुझे ये वरदान दे दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल आपके पुत्र के द्वारा। अच्छा, बोलने में तो तारकासुर जानता था कि मैं वैरागी हूँ, मैं कभी विवाह नहीं करूँगा। उसने फायदा उठाया, वो जो बोलने का तरीका था ना, जब विवाह नहीं होगा तो फिर पुत्र कैसे होगा? और जब पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी, वो निर्भीक होकर अपनी शक्ति और अपने ज्ञान का दुरुपयोग करने लगा। ये देख रहा है कितना जुल्म किया और आज तक कर रहा है, इस समस्त संसार पर अत्याचार करने लगा। अब देखो हमारे आदेश की अवहेलना का परिणाम क्या होता है। इस समस्या का केवल एक ही समाधान था, तारकासुर का अंत, और वो भगवान शिव जी के पुत्र के द्वारा आए। और उसके लिए मेरे पुत्र का जन्म अनिवार्य है, जरूरी था, और अब हो गया है। अब आ चुका है कार्तिकेय जी। अब आएगा ना मजा। तारकासुर और अन्य असुर ने अनेकों प्रयास किए कि वो तुम्हारा जन्म होने से रोक सके, और वो रोकते रहे हैं आखिरी टाइम भी रोका। जब वो विफल हुए तो उन्होंने तुम्हारा वध करने का हर संभव प्रयास किया, और अभी तक कर रहे हैं। यानी इसीलिए तुम्हारे संरक्षण के लिए मैंने तुम्हें प्रतिज्ञाओं को सौंप दिया था। पुत्र तारकासुर भयभीत अवश्य, किंतु उसके आचरण में कोई सुधार नहीं हुआ। सुधार तो वो ज्यादा हो गया, वो आज भी अत्याचार कर रहा है। अब महादेव और पार्वती का अंत निकट। और हम सदा सदा के लिए घंटा वह में तेरा हंस ले। ये समस्त संसार प्रतीक्षा कर रहा है कार्तिकेय, कि कब तुम अपने उद्देश्य की पूर्ति करो, इन्हें उस असुरतार का सुर से मुक्ति दिलाओ। पूरी दुनिया प्रतीक्षा कर रही है कब तुम देखे जाएंगे। और कार्य केवल शिव पुत्र द्वारा ही संभव, जो वरदान मिला। कितने युगों से यह समस्त संसार जिसकी प्रतीक्षा कर रहा है, और तुम हो पुत्र, केवल तुम ही तारकासुर से युद्ध करके उसका अंत कर सकते। इनका एक बार लेकिन कार्तिकेय जी का एंड, सॉरी उसका एंड है, वो तारकासुर का भी। कार्तिकेय जी थोड़े जो वो लग रहे हैं और मैं नर्वस लग रहे हैं बच्चे इस ससुर से। ये देख रहा, मैं वही नोट कर रहा था कि कार्तिकेय जी थोड़े से नर्वस लग रहे हैं। मैं तो समझा तो उसका आ गया, किंतु मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ। ये तो है। हाँ, आपने देखा नहीं लेकिन कि वो असुर कितना विशाल, कितना क्रूर और कितना भयानक है। लेकिन आप कार्तिकेय जी भगवान शिव जी के पुत्र हैं। मैं उस असुर से युद्ध नहीं करूंगा। ओ, ये क्या सीन है? नहीं बनना मुझे योद्धा। ओ,
तुम्हारा योद्धा बनना तो तुम्हारे जन्म के पूर्व से ही निर्धारित है पुत्र। जन्म से मतलब पहले ही। कार्तिकेय अरे यार कार्तिकेय जी को सब हकीकत बता दी तरकासुर की। वो भाई साहब शुरू से लेके एंड तक और जो अभी वो प्लान या अगर वजह बोलो उनके जीवन का मकसद या तरकासुर की रियलिटी सारी बता दी कि जो दुनिया में उसने आज तक किया जिस तरह वरदान पाया और उसके बोलने के तरीका भी छल था वाकया में। तो लेकिन भगवान शिव जी को देना था क्योंकि अब वो खुश हो चुके थे इनके मतलब तपस्या से, तो भाई उनको आगे देना। और उनके पीछे से भगवान शिव जी ने भी रियलिटी सुनाया ना पीछे से, वो जो अहंकारी था मैं अमर हो गया मैं ये हो गया वो हो गया, वो समझे थे कि भगवान शिव जी वैरागी हैं कभी शादी नहीं करेंगे। और अभी देख अभी जो प्रेजेंट बता रहे थे कि भाई भगवान शिव जी और माता पार्वती को जिंदा नहीं रहना भाई उसके बाद मैं अमर हो जाऊंगा। यार ये क्या है तरकासुर यार, अबे उसके दिमाग में गोबर आया हुआ है ना। असल में देखो हम मानते हैं कि क्या नाम है उनका दक्ष जी वो अहंकारी थे लेकिन वो इतने नहीं थे। हाँ वो इतने नहीं थे, इसके सामने ये बहुत हैं। ये तो माता पार्वती और भगवान शिव जी को मारने और कार्तिकेय जी को मारने के लिए वो तो सिर्फ नफरत करते थे, वो सिर्फ नफरत करते क्योंकि थे उनके पिता का वो जहरी बात है उनको हाँ, दिया था ब्रह्मा देव जी को, तो इस वजह से वो सिर्फ नफरत करते थे। हाँ, ये तो मारने पे तुला हुआ है, मारने का प्लानिंग बहुत बड़ा अहंकारी है यार। हम तो दक्ष जी को यार शुरू में कहते थे यार तरकासुर पे काम है दक्ष जी से, लेकिन नहीं भाई ये तो बहुत हो गया हो गया। लेकिन कार्तिकेय जी भी थोड़े से नर्वस हुए लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा शक्तिशाली है मैं कैसे करूंगा। वही ना, और यार काफी टाइम हो गया यार दक्ष जी नहीं आया। हाँ दक्ष जी भी नहीं आए, उनके बारे में भी नहीं देखने को मिला क्या फिर वो अब है कहाँ। वही लेकिन अब ये तो आगे देखेंगे कि किस तरह भगवान शिव जी कार्तिकेय को मनाते हैं क्योंकि वरदान जो मिला वो तो पूरा होना सही कर। उन्होंने ऑलरेडी मना भी कर दिया कि मैं तो वो इतना विशाल है मैं कैसे तो छोटे हैं बिल्कुल। तो अब इधर ये वीडियो खत्म करते तो